Assalamualaikum to you all. Welcome to the Way of Knowledge. This is the second lecture of virology, in which we will understand the classification of virus. If you did not watch the previous video of virology, so click the I button and watch it first for proper understanding. Classification of virus. Viruses are classified on the basis of following. Number 1, host specificity. Number 2, capsid symmetry. Number 3, viral genome. And number 4, envelope. वायरस को इन चार बुनियादों पर डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट पैरामीटर होस्ट स्पेसिफिसिटी है, जिसके मुताबिक स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक एनिमल, बैक्टीरिया या फिर प्लांट होस्ट को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर बीमारियां पैदा करता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज होस्ट हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन फॉर द बाइंडिंग ऑफ वायरस, यानी होस्ट सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ वायरस, जिसकी वजह से वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जाकर उसे इन्फेक्ट करता है। जैसे कि एनिमल वायरसेस जो होंगे वो एनिमल सेल को ही इन्फेक्ट करेंगे, जिसकी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, साइंटिफिक नेम इसका ऑर्थोमायोक्सो वायरस है, और मीजल्स वायरस, मॉर्बिली वायरस एक्सेट्रा। और प्लांट वायरस, ऐसे वायरस फॉर एग्जांपल टुबैको मोज़ेक वायरस, जो कि प्लांट सेल को ही इन्फेक्ट करता है टुबैको प्लांट के बिकॉज ऑफ रिसेप्टर। और बैक्टीरियल वायरस की एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरियल सेल को एज अ होस्ट यूज करता है और उसे रप्चर करके उसकी लाइसिस कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन कैप्सिड सिमेट्री। वायरस को कैप्सिड सिमेट्री की बेसिस पर टू सब क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट हमारी डिफाइंड सिमेट्री है, जिसके अंदर हेलिकल, क्यूबॉइड और आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री शामिल हैं। और सेकंड सब क्लास ऑफ कैप्सिड सिमेट्री इज अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस डिफाइंड सिमेट्री, जिसकी फर्स्ट टाइप है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री में न्यूक्लियो कैप्सिड हेलिकली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एज अ स्टेयरकेस की फॉर्म में मूव कर रहा होता है इनसाइड द कैप्सिड, लाइक एक रॉड है और उसके दरमियान में जो है स्टेयरकेस सीढ़ियां जो है सराउंडिंग में मूव कर रही होती हैं स्प्रिंग लाइक फॉर्म। ये आपको इस पिक्चर में ये कॉइल आरएनए स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली, जिसकी एग्जांपल टुबैको मोज़ेक वायरस है। सेकंड टाइप इज क्यूबॉइड सिमेट्री, इसमें जो है न्यूक्लियो कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड के साथ टाइटली पैक्ड होता है, यानी ये बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्ट सिमेट्री होती है, फॉर्मा स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी सर्किल की फॉर्म में होती है। लुक एट दिस डायग्राम। एंड आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री, ये सिमेट्री कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें 20 जो है इक्विलेटरल बराबर के ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, इसमें 30 एजेस होती हैं, यू कैन काउंट इन दिस पिक्चर, जो फ्रंट पे आपको शो हो रही है 15 एंड 15 एजेस साइड बैक साइड द पिक्चर हैं, सो 15 प्लस 15 मेक्स 30 एजेस। 12 वर्टिक्स होती हैं इसकी एंड दे इट एग्जिबिट टू फोल्ड, थ्री फोल्ड और मे बी फाइव फोल्ड ऑफ सिमेट्री, जो आपको इस पिक्चर में प्रॉपरली शो हो रही होगी। इसकी एग्जाम्पल है एडिनो वायरस, लुक एट दिस वायरस, जबकि क्यूबॉइड सिमेट्री की एग्जाम्पल हेपाडीएनए वायरस और पिकोर्ना वायरस हैं। अब कैप्सिड सिमेट्री की सेकंड जो सब क्लासेस है वो है कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड सिमेट्री,
ये इस तरह की सिमेट्री होती है जिसमें हेलिकल और क्यूबॉइड सिमेट्री दोनों शामिल होती है। हम एग्जैक्टली करेक्टराइज नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते आइदर वायरस हैव हेलिकल और क्यूबॉइड सिमेट्री, कि वायरस के पास या तो हेलिकल सिमेट्री है या फिर क्यूबॉइड सिमेट्री है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, इसका कैप्सिड तो आइकोसाहेड्रॉन है लेकिन टेल जो है हेलिकल है, यानी प्रॉपर कोई एक सिमेट्री नहीं है, इट पजेस बोथ टाइप ऑफ सिमेट्री। इसी तरह एक और एनिमल वायरस है इस पिक्चर में, जिसका जो है कैप्सिड तो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का है बट इनसाइड द जीनोम इज हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और कॉइल्ड। इसी तरह रेटिरो वायरस की एग्जाम्पल है, ये भी स्फेरिकल वायरस है, स्फेरिकल सिमेट्री यानी क्यूबॉइड सिमेट्री है, जबकि इसका डीएनए जीनोम जो है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। आई होप सो यू विल नाउ कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स अलॉट। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम इन देयर स्टडी। टिल देन अल्लाह हाफिज, वी विल मीट सून।